नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल भी होता है जो लाइफ की सस्टेनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो उसके नेगेटिव रिपरकशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लाउड बस, जैसे कि फ्लैश फ्लड, जैसे कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इन टॉपिक्स को मैंने अलग से कवर किया है, क्लाउड बस्ट को भी, फ्लैश फ्लड्स को भी और आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को भी। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो इन्फ्रारेड रेडिएशंस को, जिनको हम IR भी बोलते हैं, इन्फ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और एमिट भी करती है। सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करती, एब्जॉर्ब भी करेगी और एमिट भी करेगी। और इन्हीं इन्फ्रारेड रेडिएशंस के एब्जॉर्ब और एमिट होने से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब टेम्परेचर का इंक्रीज होता है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले हमें ग्रीन हाउस के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये होता है ग्रीन हाउस, आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ग्रीन हाउस को लगाया भी हो। ग्रीन हाउस में सब्जियाँ उगाई जाती हैं, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों कोई सब्जी ग्रीन हाउस में लगाई जाएगी। देखिए, इस प्रकार से होता है कुछ ग्रीन हाउस। इसमें ये जो ट्रांसपेरेंट सा ग्लास है, ये होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास से होता क्या है, ये हमारा सूरज है, सूरज से जो भी रोशनी आएगी, जो रेज आएंगी, उसमें से विजिबल लाइट, इसके साथ साथ इंफ्रारेड, जो नियर बाय इंफ्रारेड होगी, और हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ होती है, वो इस ट्रांसपेरेंट ग्लास से पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचती है। अब जैसे ही ये पेनिट्रेट हो जाती है और जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड है, ये इन्हें एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ये एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर ये इसे एमिट करने लगता है। ये ऊपर को जो लाइनें गई, ये एमिशन हुई, एमिट किया। लेकिन अभी ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये इन्हें इसको एमिट नहीं होने देता, यानी कि ये इन्हें बाहर नहीं जाने देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अंदर ही रह जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये ब्लू में देखिए यूं कर कर आई, फिर ये ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे ये बाहर नहीं जाने दिया गया, तो ये अंदर ही रह गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो अब ये जो एनवायरनमेंट अंदर क्रिएट होगा, इसकी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो होंगी। इस फिनोमेना की वजह से जो इसके अंदर एनवायरनमेंट बनेगा, उसके अंदर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगी। तो ये प्रिंसिपल होता है ग्रीन हाउस का। अब यही प्रिंसिपल जब ग्राउंड जीरो में एनवायरनमेंट में होता है, तो हम उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो वैसे ही होगा क्या कि जैसे ही हमारे यहाँ पे इंफ्रारेड आई, विजिबल आई, यूवी आई, ग्राउंड में उसको एब्जॉर्ब किया गया, एमिट किया गया। जैसे उसको एमिट किया जाएगा, तो एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो गैसेज उसको उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाने देंगी, तो ये अंदर ही रह जाएगा। और जब अंदर ही रह जाएगा, तो जैसे इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, वैसे एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा। और इसी टेम्परेचर के इंक्रीज का जो फिनोमिना है, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो नेचुरल भी होता है, तो ये एक नेचुरल अकरेंस भी है। ये नेचुरली मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे अर्थ में हो रहा है। किसकी वजह से? वाटर वेपर्स की वजह से, एटमॉस्फेयर, स्मॉल वाटर पार्टिकल्स की वजह से। और इसी की वजह से हमारी अर्थ में जो लाइफ है वो पॉसिबल हुई है। तो वाटर वेपर्स जो हैं वो भी ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि जब इंफ्रारेड IR रेडिएशंस को एमिट किया जाएगा, तो ये जो वाटर वेपर है, मान लो ये वाटर वेपर है, तो ये इसे पास नहीं होने देगा, तो इसकी वजह से ये अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारी अर्थ में। इसी की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अगर ये फिनोमेना नहीं होता, तो एवरेज टेम्परेचर जो हमारे अर्थ का होता है वो -17 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप जानते हैं कि -17 डिग्री सेल्सियस में लाइफ को सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। अब हालांकि एक नेचुरल फिनोमेना भी है और वो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन संस्कृत में एक लाइन भी आती है, आपने सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जिती। हर एक चीज़ की अति जो है वो
वर्जित होती है, यानी अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। थोड़ी बहुत अगर आप शराब भी पी रहे हो हफ्ते में एक आधी बार ठीक है, बहुत ज़्यादा पियोगे तो जो किडनियाँ कुडनियाँ ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित ही। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर इनको चेक ना किया जाए तो उसकी वजह से जो हमारा सेंचुरी का एंड होगा, सेंचुरी आप जानते ना यानी 100 साल, तो इस सेंचुरी का जो एंड होगा इसमें टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ है ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, इससे अनयूजुअल क्लाइमेटिक चेंजेज आएंगे, जैसे कि इल नीनो की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी जो पोलर आइस कैप्स हैं यानी पोल्स में हमारी जो आइस कैप्स हैं उनकी मेल्टिंग जो है वो होगी, एक्सेलरेट हो जाएगी यानी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे जो हिमालयाज के रीजन्स हैं उनमें भी जो आइस कैप्स हैं उनकी भी मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ मैंने आपको बताया है कि फ्लैश फ्लड्स हैं, उसके साथ क्लाउड बर्स्ट हैं, फिर हमारे यहाँ पे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हमें देखने को मिल रही है, फिर हमारे यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो हैं वो भी उनकी जो विड्थ और लेंथ है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सी बारिशें हमें देखने को मिल रही हैं। अमेरिका में जो कैलिफोर्निया में अभी हाल ही में कुछ समय पहले बारिश आई थी उसका रीज़न हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिवर्स था। एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती क्या है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होती है, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, क्लाउड बस्ट क्या होते हैं, इन सबको हमने अलग वीडियोज़ में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है, देखिए अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की तो इसकी वजह से आप जानते हैं कि सी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रहा है। अभी मैंने आपको मार्च के करंट अफेयर्स, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया था, उससे मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन को कि इंडोनेशिया की जो अभी हाल ही में कैपिटल है वो जकार्ता से चेंज होके एक और सिटी बनी है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सी सिटी है। मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन में इसको कवर कराया था। तो जकार्ता से क्यों चेंज करने की ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि जकार्ता जो है वो इस समय सी का जो वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है उसमें धीरे धीरे समर्ज करता जा रहा है, तो सी लेवल जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ होता हमें दिख रहा है, जिसके वजह से काफ़ी जो कोस्टल एरियाज़ है वो समर्ज हो सकते हैं, इसके वजह से जो कोस्टल हैबिटेट्स हैं वो भी काफ़ी लॉस हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम इवेंट जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे हीट वेव, लू हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है, हर साल हमारे भारत में कई लोग जो हैं वो लू की वजह से मरते हैं। फिर हमें फ्लडिंग देखने को मिल रही है, फ्लैश फ्लड्स मैंने आपको अभी बताया, क्लाउड बस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात करी, हुरिकेन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक गेंस होंगे उसमें भी काफ़ी प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। रेनफॉल के पैटर्न में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका क्लासिक एग्जांपल जो है वो चेन्नई के फ्लड्स हैं 2015 के, केरल के फ्लड्स हैं 2018 के। ये जो चेंजेस इन रेनफॉल है इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो रहा है, और आप सब जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर हमें आने वाले समय में होने वाला है। फूड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये हमें देने वाला है। आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर जब नहीं होगा, जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं होगा, तो फिर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। ऑलरेडी ये बातें चल रही हैं कि आने वाले समय में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो मोस्ट प्रोबेबली वाटर के ऊपर होने वाला है। तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी जब ग्लेशियर एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाना शुरू कर देंगे। तो एक सर्टेन लेवल पे जब जो वाटर आता है और वहाँ पे फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होती है, तो जब ग्लेशियर एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएंगे तो उससे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी रिड्यूस होगी, और फोसिल फ्यूल जो है उनके ऊपर रिलायंस काफ़ी बढ़ने वाला है। तो जैसे फोसिल फ्यूल्स पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, आने वाले समय में भी वही ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे अगर इस प्रकार की चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल नहीं किया गया। अब इसकी वजह से होगा क्या, काफ़ी एनिमल पॉपुलेशन जो है उसमें हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो आप देखो गर्मी लगी आप पंखे के नीचे पहुंच जाओगे, आप क्या करोगे आप एसी वगैरह चला लोगे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई चलो आपने हीटर जला लिया, लेकिन जो बेचारा एनिमल है वो कहाँ जाएगा हैं। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा एनिमल्स को, बहुत ज़्यादा बर्ड्स को एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, और ये ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है। एनिमल जो है वो तो बेचारा उसी नेचर की, जैसे नेचर जीवन दे रही है वैसा वो जीवन जी रहा है, ह्यूमन बींग जो है वो अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपने
एक लग्जरी ज़िंदगी जीने के लिए न जाने कितना नुकसान जो है वो एनवायरनमेंट का कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग्स को भी कि इस धरती के ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, इस धरती के ऊपर जितना मेरा अधिकार है उतना ही जानवरों का अधिकार भी है, उतना ही बर्ड्स का अधिकार भी है। तो इसलिए हम ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं या एनिमल जो हैं उन्हें एक्सटिंक्ट होना पड़े। अभी आपने बिजली की तारें लगाई हुई हैं हमारे कंफर्ट जोन के लिए, लेकिन इसकी वजह से न जाने कितने बर्ड्स हैं जो इनके कंटेक्ट में आते हैं और फिर थोड़ा सा करंट लग के मर जाते हैं। चिड़ियाँ स्पैरोज जो हैं वो धीरे धीरे इस देश में एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। शहरों में तो भूल ही जाओ, हम जैसे गांव वगैरह में रहते हैं हमें कई कई बार देखने को मिलती हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे दादा जब सुबह उठते थे रोज़ चावल डालते थे तो कितनी चिड़ियाँ आती थी, आज हम चावल डालते हैं तो मुश्किल से 3-4 मुश्किल से आती हैं। तो ये जो है ये इस प्रकार से एक्सटेंशन जो है धीरे धीरे वो हो रहा है, तो ये भी हमारी ही वजह से हो रहा है। तो एनिमल पॉपुलेशन काफ़ी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, काफ़ी स्पीशीज़ जो है वो थ्रेटन और एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे मतलब लापता ही हो जाएंगे, लुप्त ही हो जाएंगे, या फिर थ्रेटन हो जाएंगे कि बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लुप्त होने की कगार में है। इसके साथ साथ काफ़ी डिजीजेज बढ़ेंगे जैसे कि मलेरिया। अब जैसे आप सब जानते हैं बरसात में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ट्रॉपिक्स में काफ़ी इस प्रकार की बीमारियां बढ़ जाएंगी जिसके वजह से जो हेल्थ सेक्टर है उसमें प्रेशर आने वाला है। फिर हमारे कोरल रीफ्स ऑलरेडी ये ब्लीचिंग कर रहे हैं, इससे ब्लीचिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे जो है काफ़ी लॉस हमारी मैरीन बायोडाइवर्सिटी को होने वाला है। इसके साथ साथ प्लैंकटोन का लॉस होगा, प्लैंकटोन आप जानते हैं फाइटोप्लैंकटोन जो हमारे ओशन में प्लांट्स की तरह दिखते हैं उनको फाइटोप्लैंकटोन बोलते हैं, बहुत ही छोटे क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स की तरह छोटे क्रिएचर्स होते हैं उनको जू प्लैंकटन बोलते हैं। तो इसकी वजह से जब सी लेवल राइज होगा तो ये बेचारे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो प्लैंकटोन जो फाइटोप्लैंकटोन और जू प्लैंकटोन है इनका लॉस होगा, और अगर इनका लॉस हुआ तो इनको कुछ बड़े जानवर खाते हैं तो फिर इससे पूरी की पूरी जो मैरीन फूड चेन है वो हार्म हो जाएगी। फूड चेन आप जानते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है भाई घास है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को फिर कौन खाएगा, बकरी को शेर खाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये फूड चेन है। तो उसी प्रकार से एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन होती है, एक मैरीन फूड चेन होती है। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में जो काम आएगा आपके पास घास, नॉर्मल जो घास है, वही जो मैरीन फूड चेन होती है उसमें वो जो घास की जो पोजीशन है वो कौन लेता है, वो प्लैंकटोन्स लेते हैं, फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटोन। जैसे सी लेवल राइज हो जाएगा तो फिर प्लैंकटोन जो है उनका लॉस होगा, जिसकी वजह से जो मैरीन फूड चेन है वो हार्म होगी, और इसकी वजह से भी काफ़ी जो मैरीन एनिमल्स हैं उनका क्या होगा, एक्सटेंशन होगी या थ्रेटन्ड होंगे। इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि ड्रॉट्स हैं, फ्लड है, स्टॉर्म है, साइक्लोन फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, और उन सब चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो भी काफ़ी अफेक्ट होगी, उसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें गैसेस की, अब हमने नॉर्मली तो देख लिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है, अब मैंने एक ग्रीन हाउस की एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। हमने मैंने आपको बताया कि यही जब पूरे एनवायरनमेंट में होगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाएगा, और उसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को पास नहीं होने देती हैं, दोबारा वो धरती के अंदर नीचे ही धकेल देती हैं, एमिट कर देती हैं, जिसके वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये कौन कौन से गैसेज हैं, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वाटर वेपर्स आते हैं, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। ये कुछ मुख्य गैसेज होती हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको हम अलग वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, फिर वो आती कहाँ से हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसेज आती कहाँ से हैं, सोर्स क्या है, तो हम उस सोर्स को कट कैसे करेंगे। और अगर मैं इसमें बताऊँगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं इतना लेंथी नहीं बनाऊँगा। मैं ग्रीन हाउस गैसेज को एक अलग वीडियो में कवर करूँगा, और काफ़ी जल्दी ये वीडियो आने वाली है जिसमें हम गैसेज बताएंगे, इनका सोर्स बताएंगे, और फिर उस गैस के पर्टिकुलर उस गैस के इफेक्ट बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो मुख्यतः आपने ध्यान रखनी है कि CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब जानते हैं रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ओजोन डिप्लीशन में बहुत बड़ा रोल होता है CFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। ओजोन डिप्लीशन को हमने बड़े अच्छे से एक अलग वीडियो में एनिमेशन के माध्यम से कवर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए जितनी ये इंपॉर्टेंट है उतनी वो इंपॉर्टेंट है, और मैंने उसको एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से कवर किया है। पूरी कोशिश करिए कि आपको अच्छे से उस कंसेप्ट को समझाया जाए। ओजोन डिप्लीशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहां भी मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर जो है मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल ग्रीन हाउस
इफेक्ट का भी काम करते हैं, और फिर आती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नेचुरली तो होना ठीक है, जायज़ है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो सही रहता है, यानी उतना टेम्परेचर रहता है जिसमें हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अति सर्वत्र वर्जती, तो अति नहीं होने देनी है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने अच्छे से देखे, ग्रीन हाउस गैसेज भी हमने देखी हैं, बाकी विस्तार से हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।